आप देख सकते हैं कि ये खुल चुका है एक्सेल। चलिए अब हम इसे निकालेंगे बाहर एक्सेल को। देखिए इस तरह से वर्क होता है ये एक्सेल। और आपके जो चार पोजीशन में बोल्ट दिए उसे खोलना होता है। चलिए हम निकालते हैं। देखिए इस तरह से बाहर आती है। हल्के से निकाले और देखिए। चलिए बेरिंग चेक करते हैं। देख आप देख सकते हैं इसमें कॉलर बेरिंग ओके और ये ऑयल सील है। अक्सर जब हम निकालते हैं इसे एक्सल को जैसे ऑयल सील को चेंज कर देना चाहिए हमें ताकि डिफरेंशियल ऑयल ना निकले। तो आप देख सकते हैं हमने एक्सल यहाँ से निकाला हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी इको फ्रंट लुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने निकाला हुआ है। चलिए दूसरी ओर बढ़ते हैं। तो इस तरफ से भी हमने निकाला हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो आप रियर लाइनर जो इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए हल्का सा घिस चुका है और ये फिटिंग क्लिप है। देखिए रियर लाइनर जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ड्रम सेट करेंगे। इस तरह से ड्रम सेट किया जाता है। देखिए अब हम इसे घुमा के चेक करेंगे कि कहीं बेरिंग बेरिंग आवाज़ तो नहीं मार रही। और आप देख सकते हैं डिफरेंशियल बेरिंग डिफरेंशियल ऑल सामान हमने इसमें छुट्टा कर दिया है जो हम चेक करेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं इसमें बेरिंग ख़राब हो चुका है। बेरिंग में से हमिंग आ रहा है। देखिए ये बेरिंग है इसकी। हम इसे न्यू डालेंगे। आप देख सकते हैं डिफरेंशियल सामान। देखिए क्लीन हो रहा है डिफरेंशियल। एक एक चीज़ क्लीन होनी चाहिए ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना आए। देख सकते हैं आप क्लीन हो रहा है डिफरेंशियल। इस तरह से डिफरेंशियल बेरिंग निकाली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हम। तो आप देख सकते हैं पुरानी बेरिंग है जो पूरी बिखर चुकी है जो किसी काम की ही नहीं रहती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देख सकते हैं बेरिंग न्यू बेरिंग डिफरेंशियल ये भी डिफरेंशियल बेरिंग है। देखिए और ये डिफरेंशियल ऑयल सील है ताकि ऑयल लीकेज ना हो। ये भी डिफरेंशियल ऑयल सील है। ये भी डिफरेंशियल ऑयल सील है। ये इस चीज़ में काम लगती है कि हमारे ऑयल लीकेज ना हो। एक अच्छा है डिफरेंशियल ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप एंड फाइव एंड। देखिए हमने इसे चेक कर लिया है एकदम कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते तो आगे बढ़ते तो आप देख सकते हैं जो पोजीशन है डिफरेंशियल फिट करने का हो एकदम क्लीन करने किया है हमने। और देख सकते हैं आपके ट्यूब हम मार रहे हैं इसमें ताकि उसमें वो एक पैकिंग का रूप बन जाए और वहाँ से लीकेज ना हो। यही कारण है वहाँ पर लगा।
चलिए हम डिफरेंशियल फिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल हम फिट कर रहे हैं और मैं बताऊंगा आपको डिफरेंशियल फिट करने का सही तरीका। चलिए हम इसे थोड़ा पोजीशन में लेके इसे थोड़ा ठोक देते हैं। लाइए स्पिनर, देखिए ये परफेक्ट फिट हो चुका है। अब इसमें हम बोल्ट लगाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें हम लगा रहे हैं। इस तरह से बोल्ट लगाया जाता है और उसकी बिल्कुल सामने की दिशा में एक और बोल्ट लगा देंगे ताकि वो हिले ना और उसकी पोजीशन ना खोए। चलिए हम लगाते हैं, आप देख सकते हैं परफेक्ट सामने की पोजीशन में हम लगा रहे हैं। इस तरह से ये परफेक्ट दिशा है इसकी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम जॉइंट फिट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जॉइंट फिट हो रहा है। तो इसे सपोर्ट लेने के लिए हम इसमें स्पैनर डालेंगे इस तरह से। तो ये अब इसे हम टाइट करेंगे, देखिए टाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं ड्रम। अब इसे हम घुमा के चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये परफेक्ट है, चलिए इसे हम घुमा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई हमिंग नहीं है और परफेक्ट घूम रहा है, तो ये सही पोजीशन है इसकी। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।